इसमें कोई नहीं आता था दिन को ही रात को तो सही है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम और मम्मी आज जा रहे हैं सुबह सुबह दर्शन के लिए भोलेनाथ जी का, जो कि यहाँ से होगा 8 से 10 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जा रहे हैं और वो स्थान काफ़ी मस्त है, चल के दिखाएंगे। वहाँ पे लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है। मम्मी जा रही है और वो भी जा रही है सिस्टर, तो चलें। आज मोटो ब्लॉगिंग भी थोड़ा सा करेंगे, हेलमेट वेलमेट अभी लेंगे वहाँ चौराहे वाले घर से, और इसके बाद माउंट करेंगे एक्शन कैमरा, फिर इसके बाद में मोटो ब्लॉगिंग भी होगा आज। तो अभी एक्शन कैमरा ले लिए हैं और ये रहा मेरा बाइक, देखो इस पर लाइफ ऑफ गोविंद भी लिखवाए हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। सिस्टर और मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं, आ जाओ। बहुत से लोग पूछते हैं कि गोविंद भाई बाबा ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, तो देखो बाबा यहाँ पे देखो जा रहे हैं, ये अपने ड्यूटी चले जाते हैं 9 बजे, तो हम कभी कभी शूट करते हैं लेट को, तो इस वजह से ये ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं। बाबा ऐसे कर दो एक बार, देखो तो हम लोग को लेट हो रहा है और निकल रहे हैं हम लोग फिर। तो बहुत दिनों के बाद में आज मोटो ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, सुबह सुबह वो भी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे DM किए थे कि गोविंद भाई राइड पे चलना है क्या, तो उसके बारे में तो अभी हम बोले कि ठीक है बताएंगे। तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए छोटे मोटे राइड पर अभी ऐसे धीरे धीरे, और राइड करना मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। अब हम लोग को ज़्यादातर चलना है विलेज वाले रास्ते पे, ये मेन हाईवे है अस्ती और नौगढ़ का, ये हाईवे है, हम लोग को यहीं से देखो टर्न होना है राइट साइड में, फिर विलेज वाले रास्ते पे चलना है। यहाँ पे देखो कंपाइन, अभी गेहूँ सब कट गया, यहाँ कंपाइन वम्पाइन धुलाया जा रहा है। ये देखो रास्ते में बकरियां बैठी हैं, साइड हो जा, साइड नहीं होगी वो, हमको ही साइड होके जाना पड़ेगा। अब मेरा कोई स्पोर्ट बाइक नहीं है, मेरा है हीरो स्प्लेंडर, इसी से मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और लाइफ में ना जाने कब मेरे पास स्पोर्ट बाइक होगा। जो विलेज के रोड होते हैं इनका हालत तो यार काफ़ी बिगड़ जाता है, इस पे चलने का मन नहीं करता। देखो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके आते हैं इस पे। ओ भाई ये देखो सब चारों तरफ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, गेहूं कट गया और लोग जला देते हैं, इसके बाद में पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तर आ रहा भाई साइड, यहाँ पे अगर तेज में आएंगे ना, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सीधा देखो खड्डे में जाएंगे। बाइक ही बुझ गया, बहुत ही खतरनाक मोड़ था वो ना मम्मी, हाँ सीधा चले, हाँ स्लो ही वो बहुत ही खतरनाक था। देखो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं भोले जी के स्थान पे, और ये रास्ता जाता है भोले जी के स्थान पे सीधा। पहले तो यहाँ पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल था, लेकिन अब धीरे धीरे देखो जंगल सब कट रहा, अभी भी कुछ कुछ बचा है देखो ये सब। ये देखो ये लोग भी दर्शन के लिए आए थे आई थिंक, देखो जा रहे हैं, देखो बहुत से लोग दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे। बाइक को करते हैं पार्क। तो हम लोग अभी स्थान पे पहुंच गए हैं, सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं फिर इधर उधर थोड़ा सा टहलेंगे। चलो मम्मी क्या हुआ, हाँ
तो अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है। अब यहाँ के जगह के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देते हैं। देखो ये है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे महाशिवरात्रि और धनतेरस के दिन बहुत ही बड़ा यहाँ पे मेला लगता है। और हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो पैदल ही आया करते थे यहाँ पे मेला देखने के लिए। अब शायद मेरे वो पुराने वाले चैनल पे था वीडियो, बट अभी वो चैनल नहीं है तो उस पे वीडियो नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लगता है इस बगीचे में। और यहाँ जो भोलेनाथ जी का देखो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। देखो सब लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए आसपास के गाँव से। पहले यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था और अब देखो धीरे धीरे यहाँ पे ये फूल उल लगाया गया है ताकि यहाँ से लोग फूल को तोड़ के और दर्शन कर सकें। और यहाँ पे बेल ओल देखो लगा, बेल तो अभी देखो इसमें लगा हुआ बेल, ये देखो इतने सारे बेल लगे हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ से पत्ता उत्ता तोड़ के। देखो दादी जी भी देखो पानी भर रही हैं, जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए, मम्मी टीका लगाने आ रही हैं। ये देखो सिस्टर यहाँ पे खड़ी है, ये है देखो पेड़ है पीपल का यहाँ पे, और देखो कैसे निकला हुआ है। और पास ही में देखो जस्ट सामने देखो नदी है, ये जब बारिश होता ना तो पूरा भर के जाता है। और यहाँ पे नल लगा हुआ, देखो कितना अच्छा लोकेशन है यार, एकदम मन को एकदम शांति मिलता है यहाँ पे आने से। देखो ये सब पेड़ ओड़ हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा यहाँ पे, गर्मियों में आके बैठ जाओ यहाँ पे, क्या ही बात बोले यार। हम लोग को उतना पता नहीं है लेकिन दादी वादी जी देखो ये सब जानती होंगी कि यहाँ पे कब ये भोलेनाथ जी का स्थापना हुआ कब नहीं, अब हमको नहीं पता। दादी जी कुछ बताएंगी, सोम के होला। अच्छा सोम के दिन दर्शन। हाँ, अच्छा यहाँ कब से मतलब ये भोलेनाथ जी मतलब हुए? अरे बहुत जमाना हो गई बूढ़ पुरानिया कान कितना बार आ गई। अच्छा इनका मुड़कटवा बाबा क्यों कहा जाता है? इनको मुड़कटवा बाबा ये हुआ है। अच्छा मुड़िया, तो मुड़िया कौन काट दिया था? चोर ले गए इन्हें, चोर चोर बाबा को बता आवाज किए देखो उठावत रहे। अच्छा उठावत है सब माता जी ने आई उठाई दी पैसा जन आज मान कर वह मुड़िया काटे कोई नहीं तो बाबा का शंकर जी को। अच्छा शंकर जी भोलेनाथ बाबा खबर छोड़ के नाई गई मन का खाली ठठरी गई नाई गई और क्या यहाँ नाई गई है। और बहुत ही अच्छा लग रहा देखो यहाँ पे सब। हम रहते हैं दो घंटे बाद क्यों है हल नहीं पावत, हल नहीं पावत रहा, बहुत ज्यादा झाली झूंगा था ना सब दिन बैठे से एक घंटा दिन से ना आई क्यों हिम्मत कहा हम जंगला बाबा के मेके निकल के पार हो गया। हर कब हर मने ना जब हर मने यह नहीं है इतना जंगल, अब तो कट गया सब फूल कट कुछ गया हो गया। देखो इतना यो बन गया, अब भैया बाबा कहना हम उघाड़े रहा तो बाबा उघाड़े। अच्छा मंदिर नहीं बनने देते बाबा? नहीं बने देते हैं कि मंदिर बन जाए। देखो चौके से कुछ पिघल रहा पावा लागल रहा बाबा कहीं ना गिर गया पावा। अरे बाबा के सोना भदमन से भैया बांध के इतना मुचकई जाल है पानी जब हमार गांव जिगिना भलुहार असनार कुनावना डरहिया भरत 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 बैठक जब जान जाइए कि बाबा हम इतना है इतने बताऊे को जैसे के बाहर गया नहीं रुके देती हर साल ही है बात वाला जब बाढ़ आता है। हाँ बाढ़ हमें बांधो ना हम खुलतम बाटे खुलते रह पूरा बंधा बांध दिया रखना जबर बंधा चौके से बांध जाना। लेकिन मारा नहीं हर 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 साल ही हाल का। और बाबा ये मंदिरवा मने नहीं बने दिया था नहीं। तब नहीं तो आज के मने बनी मंदिर बने बाकी रहा पुरानिया वाला आई गई हाँ बहुत पुरखा पुरानिया वाला आई गई बाबा कहना हम ऐसे रहा अंदर को आने का मन जरूरी है। हाँ, और क्या क्या बाहर का हम अंदर से नहीं रहे बाहर रहा आई यहाँ कह रहा मैं यहाँ कह रही हूँ मैं आई रही उनके न्यूसा बनवा दे पूजा पाठ चढ़ा दे जो कुछ हुए मेला है खेला है पानी है बूनी है अंदर का हाँ वही हाँ बनवा दिया गया सही है। चलो वही बताया चलो चलो
तो आप लोगों ने देख लिया दादी जी क्या बोल रही हैं। पहले यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगल हुआ करता था, कोई इस पार से उस पार नहीं जा पाता था, बहुत ही खतरनाक जंगल हुआ करता था। देखो अभी भी जंगल, कुछ कुछ जंगल देखो यहाँ पे है, बस इतना ही रह गया है और उधर भी थोड़ा है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जंगल था। इसमें कोई नहीं आता था दिन को ही, रात को तो बता ही नहीं सकते, दिन में ही कोई आने की कोशिश नहीं करता था। और अभी धीरे धीरे, और दादी जी ये भी बोली यहाँ पे भगवान ये जो है ना शंकर जी, ये कह रहे हैं भोलेनाथ जी कि यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता है, ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही जब बनाया जाता है तो वो गिरा देते हैं अपने आप को, तो कहते हैं हम खुले में ही रहेंगे, ऐसे ही हमको रहने दो। तो ये कितना भी मंदिर बनाने का प्रयास किए सब लोग, लेकिन नहीं बना है ना दादी। हाँ बाबू, एक उसके कारण सब देखो हाल मान कर 50 साल का सुवारा 17 साल से ऊपर भाग हुई। हाँ हाँ, तब से ये असम ये भाई रही। हाँ, खाली ये बना बस मने तो अस्तार से। हाँ बाबा को कहीं का मुड़कता बाबा सनामल है, सनामल मने ही हथिया बौरान रहा। हाँ, बम्बई कलकत्ता दिल्ली से हमें मने दिया। हाँ, जब वो हाथी, हाँ हाँ, वो पागल हो गई थी। हाँ हाँ, वही पे वही पे हाथी रहा। गोसाई बाबा पहले हो गए जो है जम्मू नहीं रहता है। हाँ हाँ, पांच गाय घर बनाई। हाँ, पांचों गाय घर भरा भरा गए, नहीं रुकने देते, नहीं रुके दिए, खाली यही रुकने दिए हैं बस ना, बस इतना ही कि वहाँ बाबा ये कहा था। हाँ, कि हमारे न्यूरता हम नहीं बचता रहे तो हमारे दर पर आदमी आवे, जो आदमी आवे तो अपन पर हथ कर। हाँ, हाँ, अपन रक्षक लेकर रक्षक लिए उतना। हाँ, इतना साहब है तो पब्लिक ना इतना। हाँ हाँ हाँ, जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको ना तकलीफ हो, हम ऐसे ही रहेंगे। ये बात आओ मम्मी थोड़ा सा उधर घुमा दे नदी की तरफ, आओ चलो देखो कितना अच्छा लोग। हाँ हाँ, लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है यार। अरे घंटा मन सारा दिन सुती है बैठी है, देखो वही कोठरी लागू पल्ला वही लड़के बैठे बैठ सुती है। ये बूढ़ पुरानिया रही बट वही आये थे घंटा। तो हम लोग अब चल रहे हैं देखो नदी के तरफ घूमने के लिए। नवरात्र के बाद में या ये जो दुर्गा मूर्ति बैठते हैं नवरात्र में, देखो यहाँ पे लाके विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे देखो अभी भी सब ये फट्ठा उट्ठा है देखो लगाया गया है, और यहीं पे विसर्जन हुआ है माता जी का। ये देखो मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा था बाबू, बहुत अच्छा ना। हाँ। देखो पास में नदी बहता है, अभी थोड़ा जब बारिश हो जाता है ना तो भर के आता है, देखो यहाँ पे बैठ के बहुत ही मजा आता है। बाबा जी का स्थान हो तो अच्छा लगबे करे। हाँ, बहुत ही अच्छा, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ये देखो क्या देख रही है, कह रही थी नहीं आएंगे हम। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। रील्स वगैरह बना लिया हम और हमारी सिस्टर, दोनों लोग भी बहुत अच्छा रील बनाए हैं। तो इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ये आईडी दिख रहा होगा, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे रील्स देखने को मिल जाएगा आपको। और मम्मी आ रही हैं, और मम्मी का कहना ये है कि अब मम्मी आप बताओ, मम्मी क्या कह रही हो आप? अच्छा लगा था बाबू, यहाँ फोटो वोटो बनाओ, यहाँ आए बाबू, वीडियो बनाओ, हमें लेके आए बाबू।
हाँ हर सोमवार के दिन हर सोमवार के दिन अब मम्मी आएंगी यहाँ पे। मम्मी को अच्छा लग गया स्थान पे, बहुत ही अच्छा लग गया, हमको भी अच्छा लग गया बहुत ही ज्यादा ही। तो हम लोग अभी दर्शन कर लिए हैं, अभी निकलते हैं घर पे। चलो मम्मी। तो हम सोचे चलते चलते थोड़ा सा बगीचा आपको दिखाते हैं। देखो यहीं पे मेला लगता है, और पहले बहुत घना हुआ करता था पूरा, देखो अभी वहां तक है जो बता रहे थे आपसे। तो हम लोग अभी आ गए घर पे और भूख बहुत जोर से लगी है। एंड गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और मम्मी क्या कहना चाहते हैं? भैया बहनी इन लोग हमारे भैया के सपोर्ट देना, भैया हाँ बाबू का अच्छा सपोर्ट देना, जो हमारे भैया आगे बढ़ जाए भैया। हाँ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, आप वीडियो देखते हो बट यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नए हो पहली बार देख रहे हो। तो मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।